इस अध्ययन में प्रमाद के कारण तथा उनके निवारण के उपायों का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए इसका नाम प्रमायठाणम यानी प्रमाद स्थान है। प्रमाद साधना का विघ्न है, उसका निवारण कर साधक जितेंद्रिय बनता है। आकांक्षा के मूल है राग और द्वेष, वे संसार भ्रमण के हेतु है। उनकी विद्यमानता में वीतरागता नहीं आती, वीतराग भाव के बिना जितेंद्रियता संपन्न नहीं होती। जितेंद्रियता का पहला साधन है आहार विवेक। साधक को प्रणीत आहार नहीं करना चाहिए, अति मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। प्रणीत या अति मात्रा में किया गया आहार उद्दीपन करता है, उससे वासनाएं उभरती है और मन चंचल होता है। इसी प्रकार एकांतवास, अल्प भोजन, विषय में अनुरक्ति, दृष्टि संयम, मन वाणी और काया का संयम, चिंतन की पवित्रता, ये भी जितेंद्रिय बनने के साधन है। जब तक व्यक्ति इन सब उपायों को जानकर अपने आचरण में नहीं उतार लेता, तब तक वह दुखों के दारुण परिणामों से नहीं छूट सकता। विषय अपने आप में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, वह व्यक्ति के राग द्वेष से सम्मिश्रित होकर अच्छा या बुरा बनता है। विषय तथा मन के विषय वीतराग के लिए दुख के हेतु नहीं है, राग ग्रस्त व्यक्ति के लिए वे परम दारुण परिणाम वाले हैं। इसलिए बंधन और मुक्ति अपनी ही प्रवृत्ति पर अवलंबित है। जो साधक इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्त है, उसे उनकी मनोज्ञता या अमनोज्ञता नहीं सताती, उसमें समता का विकास होता है। साम्य के विकास से काम गुणों की तृष्णा का नाश हो जाता है और साधक उत्तरोत्तर गुण स्थानों में आरोह करता हुआ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साधना की दृष्टि से इस अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और प्रमाद ही साधना है। साधक को प्रतिपल अप्रमत्त या जागरूक रहना चाहिए। नियुक्तिकार ने बताया कि भगवान ऋषभ साधना में प्राय अप्रमत्त रहे, उनका साधना काल 1000 वर्ष का था, उसमें प्रमाद काल 1 दिन रात का था। भगवान महावीर ने 12 वर्ष और 13 पक्ष तक साधना की, उसमें प्रमाद काल 1 अंतर्मुहूर्त का था। दोनों तीर्थंकरों के प्रमाद काल को नियुक्तिकार ने संकलित काल कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि 1 दिन रात और 1 अंतर्मुहूर्त का प्रमाद एक साथ नहीं हुआ था, किंतु उनके साधना काल में जो प्रमाद हुआ उससे संकलित किया जाए, कलेक्टिवली वह 1 दिन रात और 1 अंतर्मुहूर्त का होता है। आइए अब जानते हैं उत्तराध्ययन के अध्याय 32 प्रमायठाणम यानी प्रमाद स्थान की 111 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अनादिकालीन सब दुखों और उनके कारणों के मोक्ष का जो उपाय है वह मैं कह रहा हूँ, वह एकाग्र यहित ध्यान के लिए हितकर है। अतः तुम प्रतिपूर्ण चित्त होकर मोक्ष के लिए सुनो। संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने से आत्मा एकांत सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। गुरु और वृद्धों यानी स्थावर मुनियों की सेवा करना, अज्ञानी जनों का दूर से ही वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, सूत्र और अर्थ का चिंतन करना तथा धैर्य रखना, यह मोक्ष का मार्ग है। समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण परिमित और एकणी और ऐषणीय आहार की इच्छा करे। जीव आदि पदार्थ के प्रति निपुण बुद्धि वाले गीतार्थ को सहायक बनाए और विविधता एकांत घर में रहे। यदि अपने से अधिक गुणवान या अपने समान निपुण सहायक न मिले तो वह पापों का वर्जन करता हुआ
विषयों से अनासक्त रहकर अकेला ही विहार करें। जैसे बलाका अंडे से उत्पन्न होती है और अंडा बलाका से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है। राग और द्वेष कर्म के बीज है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण को दुख कहा गया है। जिसके मोह नहीं है उसने दुख का नाश कर दिया है, जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया है, और जिसके लोभ नहीं है उसने तृष्णा का नाश कर दिया है, जिसके पास कुछ नहीं है उसने लोभ का नाश कर दिया है। राग द्वेष और मोह का मूल सहित उन्मूलन चाहने वाले व्यक्ति का जिन जिन उपायों का आलंबन लेना चाहिए उन्हें मैं क्रमशः कहूंगा। रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, वे प्राय मनुष्य की धातुओं को उद्दीप्त करते हैं। जिसकी धातुएं उद्दीप्त होती है उसे काम भोग सताते हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी, जैसे पवन के झोंकों के साथ प्रचुर ईंधन वाले वन में लगा हुआ दावानल उपशांत नहीं होता, उसी प्रकार अति मात्रा खाने वाले की इंद्रियाग्नि कामाग्नि शांत नहीं होती। इसीलिए अति मात्र भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता। जो एकांत बस्ती और एकांत आसन में नियंत्रित होते हैं, जो कम खाते हैं और जितेंद्रिय होते हैं, उनके चित्त को राग शत्रु वैसे ही आक्रांत नहीं कर सकता जैसे औषध से पराजित रोग देह को। जैसे बिल्ली की बस्ती के पास चूहों का रहना अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियों की बस्ती के पास ब्रह्मचर्य का रहना अच्छा नहीं होता। तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप लावण्य विलास हास्य मधुर आलाप इंगित और चितवन को चित्त में रमाकर उन्हें देखने का संकल्प न करे। जो सदा ब्रह्मचर्य में रत है उनके लिए स्त्रियों को न देखना न चाहना न चिंतन करना और न वर्णन करना हितकारी है तथा आर्य ध्यान धर्म ध्यान के लिए उपयुक्त है। यह ठीक है कि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनियों को विभूषित देवियां भी विचलित नहीं कर सकती, फिर भी भगवान ने एकांत हित की दृष्टि से उनके विविक्त वास को प्रशस्त कहा है। मोक्ष चाहने वाले संसार भीरु एवं धर्म में स्थित मनुष्य के लिए लोक में और कोई वस्तु ऐसी दुस्तर नहीं है जैसे दुस्तर अज्ञानियों के मन को हरने वाली स्त्रियां हैं। जो मनुष्य इन स्त्री विषयक आसक्तियों को पार पा जाता है उसके लिए विशेष सारी आसक्तियां वैसे ही सुतर यानी सुख से पार करने योग्य हो जाती है जैसे महासागर का पार कर पाने वाले के लिए गंगा नदी। सब जीवों के और क्या देवताओं के भी जो कुछ कायिक और मानसिक दुख है वह काम भोगों की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है। वीतराग उस दुख का अंत पा जाता है। जैसे किंपाक फल खाने के समय रस और वर्ण से मनोरम होते हैं और परिपाक के समय जीवन का अंत कर देते हैं, काम गुण भी विपाक काल में ऐसे ही होते हैं। समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इंद्रियों के जो मनोज्ञ विषय हैं उनकी ओर भी मन न करे, राग न करे, और जो अमनोज्ञ विषय में उनकी ओर भी मन न करे, द्वेष न करे। रूप चक्षु का ग्राह्य विषय है। जो रूप राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूपों में समान रहता है वह वीतराग होता है। चक्षु रूप का ग्रहण करता है, रूप चक्षु का ग्राह्य है। जो रूप राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है और जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है।
जो मनोज्ञ रूपों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जो जैसे प्रकाश लोलुप पतंगा रूप में आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अमनोज्ञ रूपों में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है। रूप उसका कोई अपराध नहीं करता। जो मनोहर रूप में एकांत अनुरक्त होता है और अमनोहर रूप में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है, इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता है। मनोज्ञ रूप की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह कलेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार से उन चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। रूप में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन रक्षण और व्यापार करता है, उसका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे सुख कहाँ है और क्या उसके उपभोग काल में भी उसे अतृप्ति ही होती है? जो रूप में अतृप्त होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोष से दोषी और लोभ ग्रस्त होकर दूसरों की वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और रूप तथा परिग्रह में अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात पहले और बोलते समय वह दुखी होता है, उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इस प्रकार वह रूप में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। रूप में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहां से होगा? जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है, कष्ट झेलता है, वह उपभोग में भी क्लेश दुख यानी अतृप्ति का दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो रूप में द्वेष रखता है वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बनता है। रूप में विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। शब्द स्रोत का ग्राह्य विषय है। जो शब्द राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में समान रहता है वह वीतराग होता है। स्रोत शब्द का ग्रहण करता है, शब्द स्रोत का ग्राह्य है। जो शब्द राग का हेतु होता है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो द्वेष का हेतु होता है उसे अमनोज्ञ कहा जाता है। जो मनोज्ञ शब्दों में तीव्र आसक्ति करता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे शब्द में अतृप्त बना हुआ रागातुर मुग्ध हरिण नामक पशु मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मनोज्ञ शब्द में तीव्र द्वेष करता है वह अपने दुर्दम दोष से उसी क्षण दुख को प्राप्त होता है, शब्द उसका कोई अपराध नहीं करता। जो मनोहर शब्द में एकांत अनुरक्त होता है और अमनोहर शब्द में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुखात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है, इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता। मनोहर शब्द की अभिलाषा के पीछे चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को प्रधान मानने वाला वह क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार से उन चराचर जीवों को परितप्त और पीड़ित करता है। शब्द में अनुराग और ममत्व का भाव होने के कारण
मनुष्य उसका उत्पादन, रक्षण और व्यापार करता है, उसका व्यय और वियोग होता है। इन सब में उसे कहाँ सुख है और क्या उसके उपभोग काल में उसे अतृप्ति ही होती है? जो शब्द से अतृप्त होता है और उसके परिग्रहण में आसक्त उपसक्त होता है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह असंतुष्टि के दोषों से दुखी और लोभ ग्रस्त होकर दूसरों की शब्दवान वस्तुएं चुरा लेता है। वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और शब्द परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्त दोष के कारण उसके माया मृषा की वृद्धि होती है। माया मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। असत्य बोलने के पश्चात, पहले और बोलते समय वह दुखी होता है। उसका पर्यवसान भी दुखमय होता है। इसलिए इस प्रकार वह शब्द में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। शब्द में अनुरक्त पुरुष को उक्त कथनानुसार कदाचित किंचित सुख भी कहां से होगा? जिस उपभोग के लिए वह दुख प्राप्त करता है, उस उपभोग में भी क्लेश दुख यानी अतृप्ति का दुख बना रहता है। इसी प्रकार जो शब्द में द्वेष रखता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुखों को प्राप्त होता है। प्रद्वेष युक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्म का बंध करता है, वही परिणाम काल में उसके लिए दुख का हेतु बनता है। शब्द से विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता।